कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में लोग सड़क पर उतर आए हैं और कई जगह आगजनी भी की गई है। गौरतलब है कि 21 जुलाई को संपन्न हुए चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 41 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। चुनावी प्रक्रिया और नतीजों के विरोध में मुजफ्फरबाद, कोटली, चुनारी और मीरपुर में लोग भारी संख्या में सड़क पर निकल गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें चुनाव में वोट देने नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने ISI और दूसरी एजेंसियों पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। रावत का कहना है कि उत्तराखंड की सीमा पर चीन की सक्रियता काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जानकारी दे दी है, साथ ही भारतीय सेना को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्व में भारत से लगी सीमा पर भी चीन की ओर से घुसपैठ की खबरें आती रही है। इसके अलावा लेह पर भारत से लगी सीमा पर चीन की सेना कई बार घुसपैठ को अंजाम दे चुकी है। हाल ही में लेह इलाके में चीन की ओर से आ रहे जासूसी भरे फोन कॉल्स में ISI की मिली भगत भी सामने आई थी। सीमावर्ती इलाकों में चीनी जासूसों ने भारतीय सेना के मूवमेंट और उसकी पोजिशन की जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को फोन किए थे। राज्य सरकार ने कोर्ट से उस फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी मामले की जांच केंद्र की एजेंसी करे तो सजा पाने वालों की रिहाई केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के साथ हथियारों को रिहा करना चाहती है। केंद्र ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पिछले साल दिसंबर में इसी अपील पर कोर्ट द्वारा केंद्र की मंजूरी के बिना रिहाई न करने का फैसला आया था। अदालत के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को मंजूरी के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन केंद्र ने रिहाई से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार की दलील है कि सभी दोषी 25 साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की डॉक्टर रत्ना डे से ये विचार जताने को कहा है कि मान का इरादा संदिग्ध नहीं बल्कि अपरिपक्वतापूर्ण था। पार्टी के अनुसार मान इस मामले में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से लिखित में माफी मांग चुके हैं। ऐसे में किसी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2001 में लश्कर के सांसद पर हमले के बाद संसद की सुरक्षा को नए उपकरणों और तकनीक के जरिए चाक चौबंद किया गया था। शाजिया ने कहा है कि जब वो गाजियाबाद से आपके टिकट पर चुनाव लड़ रही थी तो आपके नेता महिलाओं से खूब बदतमीजी करते थे, शोषण के साथ महिलाओं के साथ मारपीट तक की जाती थी। शाजिया ने कहा कि एक बार तो पार्टी के संयोजक ने एक महिला को थप्पड़ मार दिया था और इसकी शिकायत जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से की तो उन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं की बात आप में हमेशा से दबाई जाती रही है। शाजिया इल्मी दिल्ली सचिवालय पर पहुंची और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान उन्होंने ये खुलासे किए। कांग्रेस और DSP के जरिए मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में कहा कि किसी भी राज्य में हिंसा निंदनीय है और हम इसे जायज नहीं ठहरा रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। इससे पहले DSP अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया। मायावती ने कहा कि BJP महिलाओं के सम्मान में BJP मैदान में का नारा देती है, लेकिन BJP के राज्य में ही महिलाएं बीफ की अफवाह पर प्रताड़ित की जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गो रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसे बहाना बनाकर दलित और मुसलमानों को टारगेट करने के खिलाफ हूँ। बुधवार सुबह छतरपुर से विधायक करतार सिंह तनवर के घर, दफ्तर और फार्म हाउस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दिल्ली में 11 जगहों पर आयकर विभाग सर्च ऑपरेशन कर रही है। करतार सिंह तनवर की 20 कंपनियां हैं जो जांच के दायरे में हैं। आयकर विभाग को शिकायत मिली थी कि सरकारी नौकरी से VRS लेने के बाद करतार सिंह तनवर ने प्रॉपर्टी के काम में करोड़ों रुपए कमाए हैं। छापेमारी की खबर सुनते ही कई आप कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने छापेमारी को लेकर केंद्र और BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा IB, CBI, ED सभी को लगाया हुआ है। मेरा निवेदन है कि सबको अलग से भर्ती कर ले इस काम के लिए। ताजा मामला परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा है। उनके विभाग के विशेष आयुक्त इंदु शेखर मिश्रा ने LG नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर जैन पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। यही नहीं, इसके साथ ही वह
छुट्टी पर भी चले गए हैं। स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात इंद्रशेखर मिश्र 1993 बैच के दैनिक अधिकारी हैं। उनका आरोप है कि मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार 25 जुलाई को उनके साथ बदसलूकी की है। मिश्रा ने LG को भेजी शिकायत में कहा कि मंत्री जैन ने शाम 4:30 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई, जिसमें वे उपस्थित नहीं हो सके और फिर मीटिंग को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया। एक नाम मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन का और दूसरा दक्षिण भारत के क्लासिकल म्यूजिशियन TM कृष्णा का तय किया गया है। बेजवाड़ा विल्सन कर्नाटक के एक दलित परिवार में पैदा हुए और उन्होंने मानवाधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी। इसी तरह चेन्नई में पैदा हुए TM कृष्णा कर्नाटक के संगीतकार है और उन्हें संस्कृति में सामाजिक समरसता को कायम करने की दिशा में काम किया। रमन मैग्सेस अवार्ड हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेस के नाम पर किया गया, जिन्होंने एशियाई नागरिकों के लिए तमाम कार्य किए। जयशंकर सिंह की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो देवघर में बाबा वेदनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। जयशंकर सिंह ने मंदिर में दर्शन किए और पूजा भी की है। इसके बाद BSP सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया है। मायावती ने इसे लेकर BJP पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि भले ही BJP ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन उन्हें मदद दे रही है। उनके अनुसार जयशंकर सिंह BJP शासित राज्य में भी छिपे हुए हैं। UP पुलिस जयशंकर सिंह की तलाश कर रही है। लखनऊ की CJM कोर्ट ने जयशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट के खिलाफ जयशंकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा चुके हैं। कलाम उन वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कलाम का 27 जुलाई 2015 में शिलोंग IIM में एक स्पीच के दौरान ही निधन हो गया था। कलाम जीवन भर युवाओं और बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। कलाम कहते थे कि सपने सच हो, इसके लिए सपने देखना जरूरी है। सपने सिर्फ वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम हमेशा युवाओं से कहते थे, अलग ढंग से सोचने का साहस करना जरूरी है। आविष्कार का साहस करो, अज्ञात पथ पर चलने का साहस करो, असंभव को खोजने का साहस करो और असमस्याओं को जीतो और सफल बनो। ये वो महान गुण हैं जिनकी दिशा में तुम अवश्य काम करो। NADA की सुनवाई से पहले सामने आया है कि एक शख्स ने नरसिंह के खाने में कुछ पाउडर मिलाया। WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया कि रसोइये ने उस शख्स की पहचान भी कर ली है। संदिग्ध शख्स एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर का छोटा भाई बताया जाता है। इस मुद्दे पर भी NADA में चर्चा होने की उम्मीदें हैं। दूसरी ओर प्रवीण राणा का नाम भेजे जाने के बाद भी नरसिंह यादव की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक उम्मीद ये है कि अगर NADA से उन्हें हरी झंडी मिलती है तो WFI उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा। नरसिंह का नाम UWW को दोबारा भेजा जाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए, क्या वो मानहानि के दायरे में है या नहीं। दरअसल गुजरात के ऊना में मृत गाय की खाल उतारने पर दलित युवकों को कार से बांध नग्न कर पिटाई किए जाने के बाद राहुल गांधी द्वारा वहां किए गए दौरे और उनसे मुलाकात के दौरान 46 वर्षीय कांग्रेस उपाध्यक्ष ने स्थानीय अस्पताल में एक महिला को गले लगाया। रमाबेन मुछाड़िया नामक इस महिला के बारे में पता चला है कि वह इनमें से किसी भी पीड़ित की रिश्तेदार नहीं थी। उक्त 55 वर्षीय महिला का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनने एक बिल्डर से जबरन वसूली के लिए फोन करने, दंगा और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे मामले शामिल है। कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप पैसा नहीं जमा कराते, तब तक हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनी एमरलेड कोर्ट की 44 मंजिली दो टावरों के मामलों की सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14% ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से बैठक की, जिसमें कई राज्यों के GST के मौजूदा प्रावधानों पर असहमति जताने के बाद सरकार इस हफ्ते GST को सदन में नहीं लाएगी।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते एक बार फिर सभी दलों खासकर कांग्रेस से बात की जाएगी और अगले हफ्ते बिल पेश करने की कोशिश होगी। राज्य के साथ बैठक में इस सिद्धांत पर सहमति बनी है कि जीएसटी दर मौजूदा स्तर से कम रहनी चाहिए। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है वह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी की 14 साल की रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ धारा 228A के तहत FIR दर्ज की है। इसके जवाब में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस पर बेबुनियाद FIR दर्ज करने का आरोप लगाया है। मालीवाल ने लिखा है कि दिल्ली महिला आयोग ने 14 साल की रेप पीड़िता के मामले में बुराड़ी पुलिस को नोटिस भेजा था। दो दिन बाद पुलिस ने मुझ पर ही FIR दर्ज कर दी। कल हड़ताल के कारण दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आज सरकार ने ऑटो और टैक्सी यूनियनों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज कुछ यूनियन के सदस्य दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। दरअसल ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर रोक की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। ऑटो टैक्सी वालों की मांग है कि बिना लाइसेंस के चल रही कैब सेवाएं बंद हो और अवैध ई रिक्शाओं पर कार्रवाई हो। दिल्ली में नए टैक्सी परमिट जारी ना हो। दूसरे राज्यों के ऑटो टैक्सी पर दिल्ली में लगे रोक।